हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। गूगल शीट में नया क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो गूगल शीट को ओपन कर लीजिए, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइए और अब यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों तरफ इसके मैंने बॉर्डर बना रखा है पहले से ही। आप किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक मैं इसी पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर बीच में सेलेक्ट करता हूँ इसको। ये जो पार्ट है इसी पर हमको बॉर्डर लगाना है, ऑल अराउंड पूरा बॉर्डर नहीं लगाना, चारों तरफ बॉर्डर लगाना। कैसे लगाएंगे ये देखिए, एक तो शॉर्टकट की होती है जिसमें चारों तरफ एक ही बार में बॉर्डर लगा पाएंगे। एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले जो शॉर्टकट की है, अगर आप बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है Alt Shift और अल्फाबेटिक बटन 3। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बॉटम में बॉर्डर आ चुका है। अब फिर वापस से उसी पार्ट को ले लेता हूं मैं सिलेक्शन में, ठीक है। अब दूसरा जो काम करना है हमें लेफ्ट में बॉर्डर लगाने का, तो लेफ्ट में बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, Alt Shift और अल्फाबेटिक बटन 4 प्रेस कीजिए। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से आप पकड़िए और फिर आपको क्या प्रेस करना है राइट बॉर्डर के लिए, वो आपको बता देता हूं। आपको प्रेस करना है Alt Shift और 2, अल्फाबेटिक बटन 2 प्रेस कीजिएगा तो राइट में भी बॉर्डर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यहां पर सिलेक्शन में लीजिए और सिलेक्शन में लेने के बाद अब अगर आपको टॉप बॉर्डर बनाना है तो क्या करना होगा, आपको प्रेस करना है Alt Shift और 1। तो जैसे ही Alt Shift और 1 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से टॉप में बॉर्डर भी आ जाएगा। इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं ऑल अराउंड योर डेटा। आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।